आज का हमारा टॉपिक है डॉजिंग ऑफ टेबल फ्रॉम 6 to 9। हम ये मान के चलते हैं भी आपको 2, 3, 4 और 5 की टेबल्स की मल्टीप्लिकेशंस आती हैं। डॉजिंग हमेशा से एक मुश्किल टॉपिक रहा है बच्चों के लिए, तो दो पार्ट्स में हम आपको सिखा रहे हैं। पहले पार्ट्स के अंदर हम आपको सिखाएंगे 6, 7, 8, 9 की मल्टीप्लिकेशन बाय 2, 3, 4 एंड 5, जो कि बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको सिंपल सी चीज़ का ध्यान रखना है भाई, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 6 into 4 तो वो सेम है इफ़ यू नो 4 into 6, 8 into 5 इज सेम एज 5 into 8, 9 into 3 इज सेम एज 3 into 9 एंड 7 into 4 इज सेम एज 4 into 7। इसके आप एग्जांपल देख सकते हैं, अगर जो 6 into 4 इज 24 बिकॉज 4 is 6 इज 24, 8 into 5 इज 40 बिकॉज 5 into 8 इज 40। सिमिलरली यू कैन सी द अदर एग्जांपल एंड यू कैन ईजिली लर्न द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 6, 7, 8, 9 बाई 2, 3, 4 एंड 5 बाय प्रैक्टिस। पार्ट के अंदर हम सीखेंगे 6, 7, 8, 9 की मल्टीप्लीकेशन बाय 6, 7, 8 एंड 9 यूजिंग द सिंपल फिंगर्स मैथड। इसके अंदर आपको सिंपल से दोनों हाथों को आमने सामने रखना है, जो बेबी फिंगर है उसको आपको मार्क करना है 6, जो रिंग फिंगर है उसको 7, जो मिडल फिंगर है उसको 8, जो इंडेक्स फिंगर है उसको 9 और जो थंब है उसको आपको 10 मानना है। ये सिंपल सी टेक्निक आपको मल्टीप्लिकेशन बड़े आसान तरीके से सिखाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको 6 into 8 को मल्टीप्लाई करना है। एक हाथ का आपको उंगलियों को मिलाना है मिडल फिंगर विद द बेबी फिंगर, दैट इज 8 into 6। नाउ यू हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स दैट आर 4, तो दीज आर द 4 tens, दैट इज 40। आपको लेफ्ट हैंड देखना है, दो फिंगर्स आपके ऊपर हैं, दैट इज़ द यूनिट प्लेस 2 units, एंड राइट हैंड को देखते हैं तो 4 fingers आर देयर, दैट इज़ 4 units। यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 into 4, दैट इज़ 8। आपका फाइनल आंसर हुआ 4 tens and 8 units, दैट इज़ 48। तो आंसर इज 6 into 8 इज़ 40। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको 8 into 7 को मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों हाथों की फिंगर्स मिडल फिंगर और रिंग फिंगर को आप मैच करिए 8 into 7, काउंट द नंबर ऑफ फिंगर्स at that point, that is 5, so 5 tens are there, then 2 units on the left hand are upper side, that is 2 units, right hand ke aapke 3 unit upar hain, so you have to multiply 2 into 3, that is 6, so final answer is 5, 10 and 6 units, that is 56, so the answer is 8 into 7 is 56. Ek aur example dekhte hain, if you have to multiply 9 into 8, so dono haathon ki ungliyon ko milaiye taki 9 aur 8 aapke aamne samne count kariye, इस एरिया के अंदर आपकी जो फिंगर्स हैं दैट आर 7, सो 7 tens आर देयर। लेफ्ट हैंड के ऊपर सिर्फ एक थंब है, दैट इज़ द 1 unit, सो 1 unit इज़ देयर। देन यू हैव टू सी द राइट हैंड, उसकी आपकी 2 उंगलियां ऊपर हैं तो 2 unit रिप्रेजेंट दिस। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 1 into 2, दैट इज़ 2, 7 tens आर देयर एंड 2 units आर देयर, सो द आंसर इज 72, 9 into 8 इज 72। छोटे बच्चों को डॉजिंग सिखाने का बहुत आसान तरीका है, अगर जो आप थोड़ी सी बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चे सारी उम्र नहीं भूल पाएंगे इसको, और आपको इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा। धन्यवाद।